ओके सो गुड मॉर्निंग टू ऑल. नमस्कार. आप सभी जानते हैं एज वी ऑल नो दैट कि फ्रॉम 21st of September वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर फर्स्ट ऑनलाइन असेसमेंट इन दिस COVID-19 सिचुएशन. और इस पर्टिकुलर असेसमेंट को करने के लिए जो हमारी डेट शीट है, जो हमारी गाइडलाइन है, वो हम आपको पहले से ही बच्चे के डेट शीट के नीचे सारी गाइडलाइन आपको पहले से ही दे चुके हैं. ठीक. आई होप आप सबने, पेरेंट्स ने, स्टूडेंट्स ने उन गाइडलाइन को अच्छे से पढ़ा होगा. इस ऑनलाइन असेसमेंट में बच्चे के आंसर शीट को अपलोड करने से रिलेटेड कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको एक बार आपको बताना ज़रूरी समझा हमने. तो इसलिए मैं ये एक वीडियो के थ्रू आपको बताना चाह रहा हूँ कि हाउ यू पीपल विल अपलोड योर आंसर शीट एंड सेंड टू द इंडिविजुअल टीचर व्हाट्सएप नंबर. ठीक. थ्रू यूजिंग ऑफ सम ऐप. सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप अभी देख रहे हो हाल में कि जितने भी टीचर अपना रिवीजन असाइनमेंट दे रहे हैं, जितने भी टीचर अपना रिवीजन करा रहे हैं, शायद वो हर टीचर ये बात बोल रहा है कि बेटा आप अपने रिवीजन असाइनमेंट्स जो कर रहे हो उनको माइक्रोसॉफ्ट लेंस ऐप या भारत कैम स्कैनर ऐप में अपलोड करके टीचर को PDF के फॉर्म में भेजना है. सेम यही प्रोसीजर आपको असेसमेंट के दौरान भी करना है. तो ये मैं आपको बता दूं क्योंकि हो सकता है किसी किसी बच्चे को या उनके पेरेंट्स को थोड़ा सा इस समझने में प्रॉब्लम आ रहा हो, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा कि कैसे आपको करना है और कैसे उन्हें अपलोड करके भेजना है. सबसे इम्पोर्टेंट बात मेन क्या है, आप सबको पता है कि जो क्वेश्चन पेपर का टाइमिंग है वो 6 PM to 7:15 PM. ठीक. इसी में आपको 7:15 तक पेपर करना है. 7:20, 7:25 मैक्सिमम इस टाइम दौरान पे आपको अपना फ़ोटो भेजना है. तो मैं बता रहा हूँ कैसे करना है. सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूँ कि ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है कि यू पीपल विल सेंड योर स्क्रीन शॉट थ्रू ओनली माइक्रोसॉफ्ट लेंस ऐप और भारत कैम स्कैनर ऐप. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऐप पर ही फ़ोटो को खींच करके और उन्हीं को कन्वर्ट करके आप फ़ोटो टीचर्स को भेजो. इसका मेन एजेंडा क्या है, मेन पर्पस क्या है कि जो भी फ़ोटो आप भेजते हो पर्टिकुलर टीचर को उनके आंसर को चेक करने के लिए वो फ़ोटो क्लियर होनी चाहिए. तो पहली बात मैं आपको बता दूँ ऑल माई डियर स्टूडेंट, ये सारे बच्चों के लिए और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स को, ठीक, कि आपको फ़ोटो नहीं भेजना है. आपको कैसे करना है, पहले बच्चे ने अपने रजिस्टर पे या A4 पेज पे, या आपकी लिबर्टी है, आप किसी पे भी क्वेश्चन करा सकते हो. ठीक. एक और भी लिबर्टी है कि नो नीड टू राइट डाउन द क्वेश्चंस, यू कैन सिंपली राइट डाउन द आंसर्स ऑल्सो. आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3 आप ऐसे भी लिखवा सकते हो. ठीक. आपने पूरा पेपर कर दिया. पूरा पेपर करने के बाद पहले आप क्या करोगे, फ़ोटोज़ खींचोगे. फिर जब सारी फ़ोटोज़ हो जाएंगी, उन फ़ोटोज़ का आप स्क्रीनशॉट लोगे और उन स्क्रीनशॉट को PDF में कन्वर्ट करके आप अपने टीचर को भेजोगे. अब अगर किसी भी पेरेंट को, बच्चे को ये PDF में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम आया या वो ऐप अच्छे से नहीं हैंडल कर पा रहा है, तो आप कोई बात नहीं, आप अच्छे से फ़ोटो खींचो, उनका अच्छा स्क्रीनशॉट खींच लो और इन स्क्रीनशॉट को भी आप पर्टिकुलर टीचर को भेज सकते हो. यहाँ पर एक सवाल बनता है, सर आप फ़ोटो के बजाय स्क्रीनशॉट क्यों ले रहे हो. स्क्रीनशॉट हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि स्क्रीनशॉट में हमें टाइमिंग मिलेगा, हमें टाइमिंग देखने को मिलेगा कि बच्चे ने पहला जो आंसर लिखा था वो कितने बजे स्टार्ट किया था और जो उसकी आखिरी आंसर शीट आ रही है वो कितने बजे ख़त्म हुई है, क्योंकि जो हमारा टाइमिंग है वो 1 hour 15 minutes का है. ठीक है. तो मैं फिर से दोहराता हूँ, कोशिश करिए कि माइक्रोसॉफ्ट लेंस ऐप या भारत कैम स्कैनर ऐप, इन पे वीडियो क्वालिटी, जो पिक्चर क्वालिटी है वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, बट ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है. हमारा मेन पर्पस है कि जो आंसर शीट आप हमें भेज रहे हैं वो एकदम क्लियर आए. तो पहला तो ये इशू ये बन जाता है कि आप इसके थ्रू अपने बच्चों को सिखाइए. हालांकि सारे टीचर अपने रिवीजन शेड्यूल में ये बात बोल भी रहे हैं कि उन्हें कैसे करना है, बट फिर से दोहराता हूँ, फ़ोटो के बजाय आपको स्क्रीनशॉट भेजना है टीचर के व्हाट्सएप नंबर पे उनकी आंसर शीट को एसेस करने के लिए. अब आती है दूसरी बात,
दूसरी बात ये बनती है कि बहुत सारे पेरेंट्स का ये डाउट है, ये हमें भी ऐसा लगा, इसलिए हम आपको ये डाउट पहले से बता दे रहे हैं कि सपोज़ एक मोबाइल है किसी के घर में और वहाँ पे दो बच्चे हैं, ठीक, या दो से तीन बच्चे हैं, तो आप वो कैसे करेंगे, क्योंकि टाइमिंग तो अलॉटेड है, टाइम तो 6 बजे से लेके 7:15 तक का ही दिया गया है एग्ज़ामिनेशन का। तो वहाँ पर आप क्या करोगे कि सपोज़ पहले बच्चे ने 6 बजे अपना पेपर करना स्टार्ट किया और उसने 7 या 7:15 बजे तक अपना पेपर फिनिश कर लिया। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हम लोग क्वेश्चन पेपर आपको दे रहे हैं उसमें 15 मार्क का पेपर ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, 15 मार्क का पेपर सब्जेक्टिव बेस्ड है। तो क्वेश्चन पेपर वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा लेंथी हम लोगों ने नहीं बनाया है, क्वेश्चन पेपर को कॉन्सेप्चुअली बनाया है जिससे हमें ये पता चले कि बच्चे को कितना टॉपिक समझ में आया है। फिर भी अगर बच्चे को 7:15 लग गया पूरा पेपर सॉल्व करने पे, कोई इशू नहीं, पहले बच्चे ने अपना आसानी से अपने फ़ोटोज़ के स्क्रीनशॉट लिए और टीचर को अपलोड करके भेज दिया। दूसरा बच्चा जब पेपर स्टार्ट करेगा, तो अगर एक बच्चे ने 7:15 पर पेपर सॉल्व करके भेजा है तो दूसरा हर हाल में 7:20 या 7:25 तक स्टार्ट कर देगा। आप 7:20 या 7:25 पे उसको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने को बोलो। टाइमिंग जो है वो 1 आवर 15 मिनट्स का है। अगर वो 7:25 पे भी पेपर करने बैठता है तो उसका भी टाइमिंग 1 आवर 15 मिनट्स ही रहेगा। यहाँ पर थोड़ा पेरेंट्स को एज अ रोल ऑफ इन्विजिलेशन करना होगा। ऑलरेडी मैंने गाइडलाइन में डाला है द रोल ऑफ द पेरेंट्स आर द इन्विजिलेटर लाइक ओवर हियर। हमें अपने क्वेश्चन पेपर को, अपने एग्ज़ाम को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए ये जिम्मेदारी उठानी होगी। अब आप क्या करोगे, 7:25 पे किसी बच्चे ने अगर पेपर करना स्टार्ट किया तो 1 आवर या 1 आवर 15 मिनट्स के बाद उसका पेपर सॉल्व हो जाएगा। पहले बच्चे ने अपने टाइम पे क्वेश्चन पेपर भेज दिया, दूसरे बच्चे ने जब पहला क्वेश्चन सॉल्व किया वो उसका पहला स्क्रीनशॉट ले लेगा पहले पेज का कितने बजे हुआ, और जो आखिरी वर्कशीट करेगा उसका वर्कशॉट ले लेगा। तो हमें टाइमिंग तो पता चल जाएगा कि 1 घंटे 15 मिनट में इसने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया। तो इस तरह से आप ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हो जहाँ पर एक मोबाइल का इशू है, जहाँ पर एक मोबाइल है, बच्चे 2 हैं 3 हैं, वहाँ कैसे सॉल्व करेंगे, वहाँ इस तरीके से आप अपने असेसमेंट को करा सकते हो। हमारा मेन इशू है कि हमें टाइमिंग जज करनी है कि द पर्टिकुलर स्टूडेंट इज टेकिंग द टाइम, ओनली अलॉटेड टाइम दैट इज़ 1 आवर 15 मिनट्स और मोर देन दैट। अगर 1 घंटे 15 मिनट से वो ज़्यादा का टाइम ले रहा है तो आप भी समझते हो कि उसका फिर आंसर सीट एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक। तो ये दो बातें मुझे बतानी थी, मैं फिर से रिपीट कर दूँ। पहली बात, इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि दैट यू हैव टू डाउनलोड दीज टू ऐप, या आपको इन दोनों ऐप के थ्रू ही आंसर शीट भेजनी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक क्लियर स्क्रीनशॉट खींच करके भी, ठीक, आप उस टीचर को भेज सकते हो, पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर जो उनका है उनके क्लास ग्रुप के हिसाब से। दूसरी बात, अगर एक से ज़्यादा स्टूडेंट हैं, एक से ज़्यादा बच्चे हैं, तो पहले बच्चे को आपने पहला अलॉटेड टाइम दे दिया 1 आवर 15 मिनट्स, दूसरे बच्चे को जब वो पेपर स्टार्ट करेगा तो उसको बोलिए कि वो स्क्रीनशॉट ले ले, और जब वो आखिरी वर्कशीट करेगा तो उसका स्क्रीनशॉट ले ले, तो हमें उस तरह से टाइमिंग का पता चलेगा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी सबको, मैंने कोशिश करी है बताने की। फिर भी किसी भी पेरेंट को अगर कोई डाउट बनता है तो फ्रीली दे कैन आस्क, दे कैन डिस्कस टू देयर क्लास टीचर, जो ऑलरेडी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में उनके नंबर है ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच, नमस्कार।